दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार का यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज देख लेते हैं प्याज का भविष्य कैसे रहने वाला है। आज है 16 अगस्त का दिन और प्याज में तेजी की कुछ संभावना बन रही है। किस कारण से बन रही है? थोड़ा सा एक्सपोर्ट और थोड़ा घरेलू डिमांड और मंडियों में आवक नहीं, सिर्फ यही कारण है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं बन रहा है। बाकी स्टॉक में माल जो है वो निकल भी नहीं पा रहा है और जो तेजी के कारण है पूरे देखते हैं और कुछ तेजी बनती है उस तेजी में अपना माल बेच सकते हैं अपन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्याज की बात करते हैं, तेजी मंदी रिपोर्ट कैसा भविष्य रहने वाला है। तो दोस्तों आज है लगभग 16 अगस्त और मान के चलिए आज से बाज़ारों में तेजी देखने को जरूर मिलेगी। उसका कारण मैं आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और सभी जगह वर्षा अच्छी हो रही है। अच्छी वर्षा होने की वजह से मंडियों में आवके बिल्कुल भी नहीं आ रही है और जिसकी वजह से जो डिमांड है घरेलू स्तर की वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। घरेलू स्तर की डिमांड की पूर्ति नहीं हो पा रही और प्लस एक्सपोर्ट भी हल्का फुल्का चालू है और एक्सपोर्ट की मांग भी लगातार बन रही है और साथ साथ में बरसात के मौसम की वजह से चारों तरफ माल की आवक बिल्कुल नहीं आ रही है पूरे भारत में, जिससे डिमांड बनी हुई है और लेवाली जोरदार दिख रही है। तो आने वाला भविष्य बाज़ार 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में प्याज कांदा बिक सकता है मोटे माल, और तो मोटे माल 2,000 रुपए से लगाकर 2,500 रुपए के आसपास में जा सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल पूरे भारत में मानसून सक्रिय है, अच्छी वर्षा हो रही है, मंडियों में आवकें कम हो चुकी है, कुछ माल सड़ चुका है, ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आवकों का प्रेशर भी नहीं बन रहा है और सड़ा गला माल भी आ रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको प्याज में 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में मोटा माल बिकता हुआ नज़र आएगा, ऐसा पूर्व अनुमान लग रहा है। और आज 16 अगस्त से मान के चलिए एक आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी आज से ही, क्योंकि हर जगह मंडियां बंद है या मंडियों में आवके नहीं है, यही कारण है तेज़ी का। एक्सपोर्ट की मांग भी बनी है, एक्सपोर्ट की डिमांड प्लस घरेलू स्तर की मांग बनने से प्याज में हाल फिलहाल कुछ तेज़ी दिख रही है। इससे लंबी तेज़ी की उम्मीद कम दिखती है। 2,000 से 2,500 के बीच में प्याज आने पर आप अपना मोटा माल बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा की तेज़ी की संभावना कम दिखती है। तो दोस्तों ये थोड़ा विश्लेषण था हाल फिलहाल का, घरेलू डिमांड का और एक्सपोर्ट डिमांड की बनी हुई है, दोनों की डिमांड है जिस वजह से और मंडियों में आवके नहीं है उसकी वजह से बाजार में तेजी का रूप देखने को मिल रहा है। तो प्याज मोटे माल 2,000 से 2,500 बिकेंगे ऐसा अनुमान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।